Best superhero animation MIU themes for your Xiaomi phones. Hi friends, Siddharth here from technobuzz.net. आज मैं आपके सामने कुछ नई थीम्स लेकर आया हूँ सुपर हीरोज की, जिसको आप अपने Xiaomi के फ़ोन्स में यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली Redmi Note 5 Pro या Redmi Note 4. ये थीम्स जो है थर्ड पार्टी थीम्स हैं, ये तभी ऐप काम करेंगे जब आप कोई माई थीमर एप्लीकेशन या फिर कोई MIU का जो मॉडिफाइड रूम्स होते हैं उनको यूज़ करेंगे. तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलता है. तो आज आपके सामने मैं पांच नई थीम्स और लाया हूँ. पहले भी मैं काफ़ी सारी थीम्स आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं. काफ़ी सारी वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ, उसमें आपको काफ़ी सारी थीम्स देखने को मिल जाएंगी. तो आज कुछ जो पांच नई थीम्स हैं वो आपको एनिमेटेड थीम्स हैं. उसमें आपको चार्जिंग के टाइम पर कुछ अलग स्क्रीन मिलेगी और ऐसे अनलॉक स्क्रीन कुछ अलग मिलेगी. तो वही मैं थीम्स बताऊँगा, उनको कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको सिखाऊंगा. जो इस टाइम पे मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो Redmi Note 5 Pro है, और उसके अंदर हमने जो MIU का मॉडर्न रोम होता है रेवोल्यूशन, वो यूज़ कर रहे हैं. आप इसके अंदर कोई भी MIU का जो मॉडर्न रोम होता है, चाहे MS हो या मैसिक हो, उसको यूज़ करके इन थर्ड पार्टी थीम्स को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं. बट अगर आप MIU का जो ओरिजिनल वर्जन है, यानी कि MIU का जो स्टॉक वर्जन है, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको माई थीमर एप्लीकेशन होती है प्ले स्टोर से, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और तब जाके आप इन थीम्स को अपने फ़ोन पर अप्लाई कर पाएंगे. तो सबसे पहले जो थीम हमारे सामने है स्पाइडरमैन की. देखिए स्पाइडरमैन के जो अनलॉक स्क्रीन है कुछ आपको इस तरीके की देखने को मिलेगी, बट जैसे ही आप इसमें चार्जिंग पोर्ट लगाते हैं तब थीम आपको कुछ अलग हो जाएगी. देखिए चार्जिंग पोर्ट लगाया मैंने, अब देखिए थीम कुछ इस तरीके की मिलेगी. ये स्पाइडर जो है इस पर ब्लिंक करता रहेगा, आप इस पर टैप करेंगे तो इस पर ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे. अनलॉक करने के लिए आपको कुछ इस तरीके करना पड़ेगा, और ये देखिए इस तरीके अनलॉक हो जाएगा आपको. तो ये तो हो गई हमारी पहली थीम, स्पाइडर थीम. अब बात करते हैं और कौन कौन सी थीम आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं. तो सेकंड थीम के बाद इन सब थीम का जो लिंक है आपको हमारे जो ग्रुप है टेलीग्राम का, उस पर मिल जाएगा. वहाँ जाके आप किसी भी एडमिन से जाके इनका लिंक मांग सकते हैं और इनको इंस्टॉल कर सकते हैं. एंड में बताऊंगा आपको कैसे इंस्टॉल करनी है. तो पहली थीम हमने देख ली है स्पाइडरमैन, अब देखते हैं हमारी अगली थीम कौन सी है. अगली थीम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है आर्ट मूवी के ऊपर बेस्ड है, वो ये रही वो थीम. इसको हम अप्लाई करते हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको जो है होम स्क्रीन मिलती है. ऊपर देखिए डेट टाइम कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा. लॉक स्क्रीन जो है कुछ इस तरीके की आपको मैं दिखा देता हूँ. ये देखिए एक बार लॉक करके लॉक स्क्रीन जो है आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिलेगी. आप इनके करेक्टर के ऊपर टैप करेंगे तो इनका करेक्टर सामने आ जाएगा. थोड़ी देर होल्ड रखेंगे, ये देखिए वापस टैप करेंगे वापस स्क्रीन पर आ जाएगा इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके. अब आप देख पा रहे होंगे नीचे यहाँ पे कुछ टाइम लिखा है और डेट लिखी हुई है. जैसे आप चार्जिंग के ऊपर लगाएंगे ये सारा का सारा जो है लेआउट जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. मैं आपको दिखाता हूँ एक बार चार्जिंग के ऊपर लगा के इसको. ये देखिए यहाँ पे अब जो है आपको बैटरी के परसेंटेज शो करना शुरू कर गई है जहाँ पे पहले डेट लिखी आ रही थी. तो इस तरीके से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये भी काफ़ी अच्छी थीम है. अब हम बात करते हैं थर्ड थीम के बारे में. थर्ड थीम जो है कौन सी है हमारी, चलते हैं थीम सेक्शन के ऊपर थीम्स. अब जो थर्ड थीम जो मैं बात करने वाला हूँ वो है ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छी थीम है, काफ़ी अच्छा लुक है इसका भी. दिखाओ, मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको. ये देखिए इसमें होम स्क्रीन में तो ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, छोटा सा विजिट मिलेगा और कुछ इस तरीके का लेआउट आपको देखने को मिलता है. सेटिंग्स पैनल जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट जैसे चार्जिंग पे आप लगाएंगे इसको जो करेक्टर है वो कुछ अलग सा रिएक्ट करेगा. मैं दिखाता हूँ आपको. ये देखिए अभी जो है नॉर्मल ऐसा है, जैसे आप इसको चार्जिंग पे लगाएंगे देखिए कुछ ऐसा सा आपको लेआउट देखने को मिलता है. अनलॉक करने के लिए जो प्लेन है इसको आप अप करेंगे ऐसे, तो ये देखिए ये जो है इस तरीके से अनलॉक हो जाएगा. तो ये भी एक अच्छी थीम है. ये थर्ड नंबर की थीम थी. अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की थीम. ये कोई सुपर हीरो थीम नहीं है, बट एक डिज्नी के बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं मिकी माउस, उनके ऊपर ये थीम बेस्ड है. ये देखिए इसको अप्लाई कर देते हैं तो इसका लुक भी थोड़ा होम स्क्रीन का आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा. काफ़ी थोड़ा मिनिमल सा लुक है, अच्छा लगता है देखने में. लॉक स्क्रीन आपको ऐसी दिखेगी जिसमें मिकी जो है अपने फ्रेंड के साथ खड़े हुए आपको दिखेंगे ऐसे. थोड़ा सा एनिमेटेड है ये थीम, बट जैसे ही आप इसको चार्जिंग पर लगाएंगे आपको इसमें कुछ अलग सा एक एनिमेशन देखने को मिलेगा. मैं दिखा के दिखाता हूँ आपको. ये देखिए इस तरीके से आपको ऊपर बैटरी परसेंटेज शो होगी और ये थोड़े बहुत कुकीज़ वगैरह गिरते हुए शो करेंगे इसके अंदर. तो ये भी एक अच्छी थीम है. तो ये होगी हमारी चार थीम है. अब जो पांचवी थीम मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छी थीम है, एक तरीके का गेम है वो. आपको मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी थीम है वो. वो एक रेसिंग थीम है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसको अप्लाई करके, फिर आपको बताता हूँ कैसे इसको गेम खेलना है और कैसे उसमें लेवल आगे अनलॉक करने हैं ताकि आपको और भी ऑप्शन उस थीम के अंदर देखने को मिलेंगे. इसको हम अप्लाई कर देते हैं. ये देखिए कुछ लुक आपको ऐसे मिलता है, डेट विजिट चेंज हो जाता है, सारी चेंज हो जाती हैं. लॉक स्क्रीन आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी. देखिए एक कार रन कर रही है और आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे. जैसे इस पर टैप करेंगे देखिए कार के जो मॉडल हैं काफ़ी सारे मॉडल आपको देखने को मिलेंगे, बट ये सारे के सारे जो हैं लॉक्ड हैं इस टाइम पर. ये अनलॉक तभी होंगे जब आप इस गेम को खेलेंगे और
पूरी तरीके से इस गेम को कंप्लीट कर लेंगे, तब लेवल वाइज ये सारे के सारे आपको ऑप्शन जो है अनलॉक होते जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे खेलना है और क्या इसके फीचर्स हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको चार्जिंग पर लगा के इसको एक बार। इसके चार्जिंग पर जो लेआउट है वो अलग है, चार्जिंग पर लगाते हैं। देखिए चार्जिंग में कुछ आपको ऐसा लेआउट मिलेगा, आपको बैटरी मीटर मिलेगा और एक वॉलपेपर जो है चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं इस गेम को कैसे खेलना है। तो ये देखिए मैं लॉक स्क्रीन पर जाता हूँ एक बार। अब जैसे टैप करेंगे एक गेम जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ी देर में इसको प्ले करने के लिए करेंगे, अब जो है गेम आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा, काउंट डाउन शुरू होगा 3 2 1 और आपको गेम खेलना है। देखिए ऐसे ऐसे मूव करेंगे गाड़ी को, देखिए एक्सीडेंट हो गया यानी कि आप गेम ओवर हो गया, आपको फिर से खेलना पड़ेगा। अब जैसे जैसे मोबाइल को मूव करेंगे गाड़ी उस तरफ को मूव करेंगे, ये देखिए इस तरीके के आप जो है लेवल सारे लेवल जो है आपको कंप्लीट करने हैं, फिर जाके आपको जो कार्स वगैरह हैं वो सारी की सारी आपकी अनलॉक हो जाएंगे और उसके बाद आप इन नई कार्स का वॉलपेपर जो है अपने स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। तो अब बात करते हैं इनको कि अप्लाई कैसे करना है इन थीम्स को। देखिए गेम चल रहा है, मैं बंद कर देता हूँ उसको मैं। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको थीम्स ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। इनको इंपोर्ट करने के लिए थीम्स ऑप्शन पर जाएंगे आप, यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन होता है नीचे, ये देख पा रहे होंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी थीम की फाइल है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे समझ लिए रेसिंग की थीम है, ये पांच थीम है आज की, एक आंस हो गई, गैलेक्सी गार्ड हो गई, मिकी हो गई, रेसिंग हो गई और स्पाइडरमैन हो गई। सपोज रेसिंग की थीम सेलेक्ट करनी है, ओके करेंगे, इंपोर्ट हो जाएगी। अब देखिए रेसिंग की थीम ऑलरेडी थी हमारे पास ऊपर, तो दो दो बन गई हैं और आपको जाके इसको अप्लाई कर देना है। और देखिए कोई एरर नहीं आएगा अप्लाइंग पे, आप इजीली इन थीम्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी थीम्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें मिल जाएंगी, वहाँ से जाके आप इन सारी फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे थीम्स पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।